हेलो यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो सब लोग ज्वाइन हो गए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग श्रुति गुड मॉर्निंग चिराग गुड मॉर्निंग हिमानी गुड मॉर्निंग रवि गुड मॉर्निंग प्रेक्षा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अब सब लोगों को गुड मॉर्निंग अगर मैं बोलने गया ठीक है सबका नाम लेके तो तो शाम हो जाएगी यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग सर बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे मैं बता दू हमारे यहाँ बारिश होती रहती है दो दो महीने तक पता है आपको जब बारिश चालू होती है दो दो महीने तक बंद ही नहीं होती है वैसा है मुंबई जब आप सी बन जाओगे और अगर जॉब के लिए अगर आप मुंबई आओगे तब आपको पता चलेगा कि मुंबई में कितनी बारिश होती है कैसी लाइफ है क्या है चलिए तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा आज का लेक्चर बेसिकली आपको मैं बता सकता हूं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा आपके सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड उसके साथ साथ हम कुछ बेसिक चीजें हैं वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं तो कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे एंड आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन रहने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो भी पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं मे एंड नवंबर 2024 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं अगर मैं बात करूं सीए फाइनल की तो सी फाइनल का जो मे एंड नवंबर 2024 में जिन लोगों का एग्जाम ड्यू है उनके लिए जो भी है एप्लीकेबल वो हम इस बैच में सीखने वाले हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ये रहेंगे कि सर हम तो सीएमए वाले हैं तो क्या हमारे लिए ये बैच रिलेवेंट है या नहीं है आंसर इज यस तो अगर मैं बात करूं कि सीएमए फाइनल वाले जो स्टूडेंट है वो सीएमए फाइनल वाले जो जून एंड दिसंबर 2024 में अपने एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं उनके लिए ये बैच एप्लीकेबल है तो चलिए ये क्लियर हो जाता है ये बैच कौन से लाइक ये जो बैच है ये कौन से एग्जाम के लिए रिलेवेंट है मे नवंबर 2024 सीए की बात करूं तो और सीएमए की जून दिसंबर 2024 के लिए सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में क्या आपके सिलेबस में क्या क्या है एग्जैक्टली exactly? और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको क्या कुछ लिखने की जरूरत है आंसर इज नो no. आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास में नोटबुक नहीं भी रहेगा तो चलेगा अब आप मुझे बोलोगे कि सर यहां पे जो आप लिख रहे हो क्या ये हमको मिलने वाला है आंसर इज यस जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके दो घंटे के अंदर अंदर ये वाला जो पीडीएफ जो भी मैं लिखूंगा जिसको क्लास नोट नाम से बोला जाएगा ये क्लास नोट आपकी ड्राइव में अवेलेबल रहेगा वहां से आपको डाउनलोड करना है तो ये क्लास नोट आपकी पास में रहेगा पीडीएफ फॉर्म में रहेगा हर दिन का क्लास नोट आपको मिलते जाएगा तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है सिर्फ आराम से बैठना है करिए ठीक है सिर्फ आराम से बैठना है आराम किससे बैठना है और जो जो मैं बोलता हूं वो आपको सुनते जाना है तो चलिए हम चालू करते हैं ये पेपर तो समझते ये पेपर है क्या सबसे पहले मैं सी ए वालों का सिलेबस बताने वाला हूं तो सी ए फाइनल की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर नंबर अब आपका फोर हो गया है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन करके ये आपका पेपर नंबर जो है ये पेपर नंबर फोर हो गया है आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो पेपर नंबर फोर पहले क्या ये पेपर नंबर कुछ अलग हुआ करता था आंसर इज यस अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में ये पेपर नंबर सेवन हुआ करता था अब सेवन की जगह ये पेपर नंबर आपका फोर हो गया है करके ठीक है ये सेवन की जगह आपका पेपर नंबर फोर हो गया है और इस पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ये पूरा आपका हंड्रेड मार्क का पेपर है सर एक बात बताइए आप ऐसा क्यों बोल रहे हो ये हंड्रेड मार्क का पेपर है करके ठीक है ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हंड्रेड मार्क का पेपर है क्योंकि पेपर तो सेवन हंड्रेड मार्क का ही है लेकिन एक बात बताओ पहले क्या हुआ करता था पता एग्जिस्टिंग सिलेबस में एग्जिस्टिंग सिलेबस में पहले इसका हंड्रेड मार्क का ब्रेकअप दे रखा था कैसे कि टी से रिलेटेड आपको 70 मार्क्स का पूछा जाता था एंड आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो 30 मार्क्स का का पूछा जाता था और ऐसे 100 का पेपर होता था लेकिन न्यू सिलेबस में जो आईसीआई का न्यू सिलेबस रिलीज हुआ उसमें ये 70 30 का ब्रेकअप को हटा दिया गया है देर इज नो सेवनटी थर्टी का ब्रेकअप अब आपका यह पेपर हंड्रेड मार्क का है अब हो सकता है इंटरनेशनल टैक्सेशन इसमें ज्यादा भी पूछ सकते हैं थर्टी इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो ट्वेंटी मार्क्स का ही पूछे सो so, यहाँ पे अभी जो है वो ब्रेकअप नहीं है ओल्ड सिलेबस में क्या था ना यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा था आपका सेवेंटी थर्टी का ब्रेकअप था अब यह ब्रेकअप नहीं है इन द न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस में हंड्रेड मार्क का पेपर है और ये हंड्रेड मार्क के लिए डायरेक्ट टैक्स एज वेल एस इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो आपको पूछा जाएगा लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स लॉस इस पेपर का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक बात बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं भाई इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं और अगर आप यह बता दो मुझे कि हम एक्ट पढ़ने वाले हैं लॉ पढ़ने वाले हैं एंड मुझे यह बता दो कि एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है एक्ट किसको बोलते हैं और लॉज किसको बोलते हैं चलिए बताइए मुझे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मुझे यह बताइए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं बिकॉज सब्जेक्ट का नाम तो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन सी फाइनल के सब्जेक्ट का नाम पेपर नंबर फोर की बात हो रही है हम लॉ पढ़ने वाले हैं या फिर हम एक्ट पढ़ने वाले हैं तो लॉ लिखा है कोई बोल रहा है हम तो एक्ट पढ़ने वाले हैं तो लॉ गलत लिखा है फिर काट दें यहां से लिखना चाहिए था डायरेक्ट टैक्स एक्ट वाला जो है इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले है इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ने वाले है तो हम लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया ऋषभ ने बोला एक्ट मतलब बेयर एक्ट होता है किसी ने बोला कि लॉ एक्ट इज वॉट हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट तो लॉ कहां पे अपने घर पे पास होता है लॉज है वो अपने घर पे पास होता है अगर मैं सीएमए वालों की बात करूं तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन चलिए तो हम लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं तो इसको लेके काफी लोगों ने स्पर्श ने बहुत अच्छे से आंसर किया अनिकेत ने किया करके ठीक है उसके बाद वासु ने किया यथार्थ यथार्थ ने किया इनकम टैक्स एक्ट और लॉ राइट आंसर इज देखिए बेटा हम जो इस बैच में पढ़ने वाले हैं ना वो हम लॉ पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ने वाले हम लॉ पढ़ने वाले हैं अब आप बोलेंगे कि एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है तो देखो एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे ये जो पूरा है ना इसको बोला जाता है लॉ मीन्स दिस इज द लॉ और इस लॉ के अंदर आता है एक्ट है उसके बाद में रूल्स है उसके बाद में नोटिफिकेशन है उसके बाद में सर्कुलर है उसके बाद में केस लॉज है इन सब का जब हम स्टडी करते हैं ना तब हम बोलते हैं कि हम यहां पे लॉ पढ़ रहे हैं तो एक बात बताऊं लॉ जो होता है ना वो लॉ एक वाइडर टर्म होता है और एक्ट जो है वो थोड़ा टर्म होता है एक्ट किसको बोलते हैं कि भैया अगर मान लो जैसे इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अ वन मेन मेन एक्ट और यू कैन से दैट द द कैप्टन ऑफ टीम ये जो पूरा है है ना इसको बोला जाता है एक टीम क्रिकेट टीम अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं तो दिस इज द इंडियन क्रिकेट टीम ये इंडियन क्रिकेट टीम है इसको बोला जाएगा लॉ और उसके अंदर में कैप्टन है और इस कैप्टन को अपन बोलेंगे चलो रोहित शर्मा इज अ कैप्टन रूल्स किसको बोलेंगे चलो हमारे पास में कोई अच्छा विकेट कीपर है ऋषभ पंत उसको अपन बोल देंगे रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर में कौन आएगा विराट कोहली है या फिर जितने भी लाइक like, बॉलर वगैरह है वो तुम्हारे आ जाएंगे नोटिफिकेशन सर्कुलर केस लॉज वगैरह तो एक बात बताओ ना जब आप इन सब की कंबाइन स्टडी करते हो ना तब हम बोलते हैं क्या आप लॉ पढ़ने वाले हो तो हम यहां पे जो है सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ने वाले हम यहां पे लॉ पढ़ने वाले हैं सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ एक्ट जब किसी पर्टिकुलर जैसे इनकम टैक्स एक्ट जीएसटी एक्ट बट आपका जो सब्जेक्ट है।, है, तो है? है, 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 है और वो सबका जब हम कंबाइन स्टडी करते हैं ना तब हम बोलते हैं हम यहां पे लॉ पढ़ने वाले हैं तो बेटा हम लॉ पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ने वाले एक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसके साथ साथ में बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सर्कुलर्स तो पे तो पेपर फोन फोर, की बात कर रहा हूं. का नाम है हंड्रेड मार्क का पेपर है इसमें ब्रेकअप इस बार नहीं दे रखा पहले ब्रेकअप दे रखा था सेवेंटी थर्टी का पुराने सिलेबस में नए सिलेबस में यहां पे कोई भी ब्रेकअप नहीं है चलिए सर इस जो पेपर में क्या क्या कंटेंट रहेगा हम क्या क्या सीखने वाले हैं करके ठीक है कर हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आपको सिर्फ आज सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम कर रहे हैं इनिशियली कि इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं कंटेंट क्या क्या रहेगा क्योंकि हमने इंटरमीडिएट में भी तो इनकम टैक्स पढ़ा था इंटरमीडिएट में हमने सैलरी पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था यह सब चीजें पढ़ी थी क्या फाइनल में क्या क्या है करके ठीक है तो इसका कंटेंट क्या क्या है तो देखो कंटेंट में इन्होंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट फोकस यर सबसे पहले

टू ऑप्टिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी तो सबसे पहला तो इन्होंने बोला कि सर हम क्या सीखने वाले हैं कि जो कंपनीज है और उसके साथ साथ में अदर एंटिटीज है अब यहाँ पे अदर एंटिटीज में क्या आएगा पार्टनरशिप फॉर्म है

एक सेक्शन हुआ करती है वन बी डबल ए करके जिसमें 22% परसेंट की रेट से टैक्स पे करती है एक सेक्शन हुआ करती है वन बी ए बी करके जिसमें आपको पता रहेगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सिर्फ 15% परसेंट की रेट से टैक्स पे करना है उसके बाद में एक सेक्शन हुआ करती है वन वन करके आपको याद रहेगा ये तो इंडिविजुअल के लिए एग्जेम्पन डिडक्शन लो और आपके लिए स्लैब रेट बढ़ जाता है मिस थ्री लाख रुपीज तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके बाद थ्री लाख टू तो सिक्स लाख का एक स्लैब दिया सिक्स टू नाइन लाख का एक स्लैब दिया दैट इज कॉल योर ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिज्यूम करके ठीक है उसके बाद में एक सेक्शन आएगी वन वन करके और इस साल से एक और सेक्शन आई है 115bae करके और ये दोनों सेक्शन जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम 22 परसेंट एंड 15 परसेंट की रेट से टैक्स कैसे लग सकता है उससे रिलेटेड ये सेक्शन है तो कुल मिला के मैं बताऊं ये सब अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों को सीखते जाएंगे अभी के लिए सिर्फ मैं आपको सिलेबस में बता रहा हूँ क्या क्या तो यहां पे पहले पॉइंट में कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन करना है इनकम टैक्स लाइबिलिटी का के के लिए के लिए अदर एंटिटीज और उसको जो है टोटल एनालाइज करना है यह बताना है टैक्सेशन रिजिम सही है नहीं है नहीं यह सब आपको बताना पड़ेगा ऑप्टिमाइज टैक्स लाइबिलिटी उसकी किस में बेटर आती है नॉर्मल वाले में या फिर 22% 15% जो जो ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है उसमें उसको एनालाइज करके बताना रहेगा यह अपने सिलेबस का पार्ट है उसके बाद में दूसरा पॉइंट बोलता है जनरल प्रोविजन अंडर द एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड अदर एंटिटी भाई ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम तो है ही बट उसके साथ साथ में आपको क्या करना है कि जनरल जो है वो जनरल प्रोविजन भी करने है, कि अगर ये नहीं लेते हैं तो नॉर्मल वे तो में कैसे आएगा वो दोनों है वो आपके सिलेबस का पार्ट है अब यहाँ पे किसी ने यह पूछा कि सर क्या हम इंडिविजुअल का कंप्यूटेशन भी करने वाले हैं तो देखो क्या होता है ना इंडिविजुअल के बारे में सीए फाइनल में नहीं पूछा जाता फाइनल के जितने भी क्वेश्चन है सीएमए फाइनल के जितने भी क्वेश्चन है जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है वो हमेशा कंपनी से रिलेटेड आता है और यहां पे भी इन्होंने यही मेनली जो फोकस किया है कंटेंट में वो कंपनीज कंपनीज किया है एंड अदर एंटिटी तो अदर एंटिटी में नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है करके ठीक है नॉर्मली प्रोप्राइटी से रिलेटेड या इंडिविजुअल्स का कंप्यूटेशन है वो फाइनल फाइनल में में या CMA में नहीं पूछा जाता वो इंटरमीडिएट लेवल पर जरूर टेस्ट किया जाता है जब आपने इंटर का एग्जाम दिया था तो वहां पे इंडिविजुअल का कंप्यूटेशन आपके सामने आया था फाइनल लेवल पे इंडिविजुअल का नॉर्मली नहीं पूछा जाता उसके बाद में आगे क्या दे रखा है उसके बाद स्पेशल टैक्स रिजिम अंडर द एक्ट फॉर द कंपनीज एंड अदर एंटिटीज। यहां स्पेशल टैक्सेशन रिजिम कुछ कंपनीज के लिए अदर एंटिटीज के लिए कुछ स्पेशल टैक्सेशन रिजिम रहेंगे वो भी आपको पढ़ने हैं उसके साथ साथ में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनी एंड अदर एंटिटी थ्रू द टैक्स प्लानिंग टैक्स प्लानिंग से उनकी टैक्स कैसे कम वम किया जा सकता है वो आपको बताना है तो कुल मिला ये जो पहला पार्ट है ना मैं बता दू इस पहले पार्ट में उन्होंने सब कवर कर दिया

यस yes, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाले पार्ट में क्या कवर होता है ये वाले पार्ट में जो कंपनीज है एंड यहां पे वर्ड यूज हुआ है अदर एंटिटी अदर एंटिटी में नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म है एओपी बीओआई वगैरह है उनका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसके साथ साथ में ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से

एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर फंड ट्रस्ट इसके बारे में हम सीखने वाले हैं देखो बड़े भारी भारी वर्ड दे रखे आपको लगेगा ये क्या है सिलेबस में यस yes, पीपल तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे जो सेकेंड वाला कंपोनेंट रहेगा आपके सिलेबस का इसमें बड़े भारी भारी वर्ड यूज किए हुए हम क्या सीखने वाले हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट अब आप मुझे बोलेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट तो चैरिटेबल ट्रस्ट. ट्रस्ट कौन जो चैरिटी का काम करते हैं चैरिटी कौन करते हैं जैसे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे एन होते हैं जो चैरिटी का काम करते हैं गरीब लोगों की हेल्प करते हैं या कोई हॉस्पिटल चलाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो हॉस्पिटल चलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह चलाते हैं उसको बोला जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट एक होते हैं रिलीजियस ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट किसको बोलते हैं कि जितने भी मंदिर मस्जिद वाले ट्रस्ट है जितने भी मंदिर मस्जिद वाले ट्रस्ट है जैसे तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है उसके बाद में शिरडी वाले साई बाबा का ट्रस्ट है मुंबई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिद्धि विनायक ट्रस्ट है उसको बोला जाता है रिलीजियस ट्रस्ट तो इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और इनकी इनकम कैसे एग्जेप्ट हो जाती है उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं कि चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट जो है उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है क्या इनको टैक्स लगता है या नहीं लगता क्योंकि अभी तक तो आपने ये सुना होगा कि सर इन ट्रस्ट को तो टैक्स ही नहीं लगता ये जितने भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है इनको कोई टैक्स नहीं लगता तो क्या सच में टैक्स नहीं लगता या नहीं लगता तो कैसे नहीं लगता उसके बारे में हम यहां पर वाले हैं इस कंपोनेंट में उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट सर इनका टैक्सेशन कैसे होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी तो आपने सुना हुआ है इलेक्टोरल ट्रस्ट करके एक मस्त वाला फंडा है जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा बट पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है शिवसेना मुंबई में तो अब दो शिवसेना हो गई एक तो नॉर्मल शिवसेना और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे करके उद्धव बाला साहब ठाकरे दो दो शिवसेना हो गई तो इनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है क्या ये लोग भी अपनी इनकम पे टैक्स भरते हैं या टैक्स नहीं भरते तो कौन से प्रोविजन में नहीं भरते कितना टैक्स भरना पड़ता है किन कौन कौन सी इनकम हो जाती है कौन कौन से इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं किस किस से ये डोनेशन ले सकते हैं तो वो सब चीजें हैं वो हम यहां पर सीखने वाले हैं उसके बाद में यहां पर तीन वर्ड और दे रखे हैं शायद अगर आपने फाइनेंस में काम किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा या फिर अगर मान लो आप फिनेंस को फॉलो करते होंगे आजकल तो लोग बहुत सारे सबको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो अगर आप फिनेंस को फॉलो करते होंगे तो आपने ये तीन वर्ड और कहीं ना कहीं सुने होंगे एक तो बिजनेस ट्रस्ट एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और एक इन्वेस्टमेंट फंड अब आप बोलोगे ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है तो आज मैं सिर्फ इसके बारे में ट्रस्ट अलग -अलग के, के लिए अलग टॉपिक बनाया, बनाया है ये बिजनेस ट्रस्ट क्या होते हैं आपको पता है बिजनेस ट्रस्ट क्या होते हैं आज तो सिर्फ अपन वर्ड जो है उसके बारे में उसका मीनिंग बता रहा हूं ट्रस्ट क्या होता है बिजनेस ट्रस्ट आपने सुना होगा आप कभी मॉल गए किसी ना किसी जैसे मुंबई में बहुत सारे मॉल हैं जियो मॉल करके है उसके बाद में ओब्रोय है इंफिनिटी है अगर आप दिल्ली से रहेंगे तो वहां पे आपने डीएलएफ मॉल देखा होगा कभी यार मॉल में देख के ऐसा लगा या बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें ऐसा देख के लगा कि शायद यार यहां अपनी कोई प्रॉपर्टी होती ना इसमें अगर कोई ना कोई हमारी दुकान होती इसमें अगर कोई ना कोई हमारी प्रॉपर्टी होती तो मजा आ जाता गिर ऐसा लगा ना आपको आंसर इज यस हर किसी को लगता है क्योंकि मॉल वगैरह में अगर आप जाओगे किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओगे बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में अगर आप बिग फोर वगैरह में रहोगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कहीं ऑडिट करने गए होंगे अरे काज की बिल्डिंग रहती है उसमें ऐसा एक बार तो लगा ही होगा कि शायद यार यहां अपना ऑफिस होता भाड़े पे चलाते भाड़ा आता मजा आ जाता करके ठीक है तो होता क्या है तो होता क्या है करके ठीक है होता क्या है नितिन कि अगर आप ये चाहते हो कि वहां पे आपका कोई प्रॉपर्टी हो अब इत, अपने पास इतना पैसा तो है नहीं अपने पास इतना पैसा तो है नहीं तो हम क्या करते हैं बताए कुछ पैसा बिजनेस ट्रस्ट में लगाते हैं और बिजनेस ट्रस्ट क्या करते हैं वही पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं बिजनेस ट्रस्ट है वही पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं और उससे जो रेंटल इल्ड होती है जो रेंट आता है वो रेंट एज इट इज आपको इनकम के फॉर्म में दे दिया जाता है उसको बोला जाता है बिजनेस ट्रस्ट आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा करके ठीक है एंबेसी ऑफिस पार्क इंडिया में कौन-कौन से बिजनेस ट्रस्ट अलाउ है तो मैं आपको बताऊं इंडिया में दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट है वो काम कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइंस एक तो होता है जिसको बोला जाता है रीड करके REIT आपने सुना रीड REIT इज बेसिकली रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा कहां लगाता है मॉल्स में लगाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाता है दैट इज कॉल्ड इनविट इनविट का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट है जो इंडिया में काम कर सकते हैं सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से ये 2014 के आसपास में इंडिया में कॉन्सेप्ट आया 2014 के आसपास इंडिया में कॉन्सेप्ट आया तो इसका टैक्सेशन है वो भी हम सीखने वाले हैं इसका जो टैक्सेशन है रीट एंड इनविट ये दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं इनका टैक्सेशन भी हम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया इन्वेस्टमेंट फंड अब आप बोलोगे ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है तो इन्वेस्टमेंट फंड जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है जिनको पी फंड में इन्वेस्ट इंटरेस्ट है उनको अगर थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में ये इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं पता है इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं बेसिकली कि जैसे मान लो किसी पर्सन जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसा है नहीं मेरे पास ज्यादा पैसा है ठीक है एग्जांपल ले रहा हूं मान लो मेरे पास पैसा है अब मुझे पता नहीं कहां इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करता हूं उस पैसे को एक इन्वेस्टमेंट फंड को दे देता हूं और इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है मेरे बिहार इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है मेरे बिहार इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है या फिर मान लो किसी लाइक like, इंफ्रास्ट्रक्चर uh, किसी भी कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड आपने मैं बता दू इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट फंड काम करते हैं वो सेबी के हिसाब से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन है कैटेगरी टू है एंड कैटेगरी थ्री है तो ये कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री क्या होता है वो अपन आगे जाके समझेंगे बट ये क्या होता है इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना है ना तो उसमें मिनिमम एक करोड़ रुपया चाहिए मिनिमम एक करोड़ रुपए से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में इन डिटेल समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब आपका इंट्रो चल रहा था तो उसमें एक सिद्धांत भंडारी करके जो ऑल इंडिया रैंक वन था अर्लियर ही वॉज विद वन इन्वेस्टमेंट फंड जिसका नाम था बेयरिंग कैपिटल करके आपने बेयरिंग कैपिटल नाम सुना होगा तो बेयरिंग के साथ में वो पहले था तो बेरिंग इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में था अभी वो किसी दूसरे स्टार्टअप में काम कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड चलिए उसके बाद में यहां पे एक और वर्ड यूज हुआ है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अब आप बोलोगे ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है तो सिक्योरिटाइजेशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आपने एस पढ़ा होगा तो एस में आपने सुना होगा सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन एक लॉ में एक सरफेसी करके एक्ट और हुआ करता है उसमें क्या होता है कि बैंक जो लोन देती है तो बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के लिए लोन नहीं है वो असेट है और वो असैट को क्या करती है कुछ पैसे में एक साथ में बेच देती है किसी को कुछ पैसे में एक साथ में बेच देती है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन तो ये क्या है वो भी हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं उसका टैक्सेशन कैसे होता है वो अपन सीखेंगे उसके बाद में आगे दे रखा है एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट जो एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है अब आप बोलोगे ये एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन क्या होते हैं तो एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है दैट इज द गार जिसको बोला जाता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स और ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स क्या है पता है कि अगर 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 मान लो आप 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 लॉ लॉ के मजे ले रहे 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 हो को अगर आप कर रहे हो हो को को मिसयूज मिसयूज कर कर एक्ट तो मिसयूज करते हो तो उस टाइम पे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक पावर दे रखी है इस रूल्स के अकॉर्डिंग दैट इज कॉल्ड गार और गार के अकॉर्डिंग एक पावर दे रखी है कि आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें आपने लॉ को मिसयूज किया है टैक्स अवॉइड किया है करके ठीक है टैक्स अवॉइडेंस किया है तो उस पर्टिकुलर केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो गार को इन्वोक कर सकता है और आपके ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकता है आपके ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकता है वो यहां पे गार इन्वोक कर सकते हैं अब आप बोलोगे सर ये क्या है बड़ा भारी भारी वर्ड लग रहा है गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कैसे मिसयूज करते हैं क्या होता है मिसयूज करना एंड ऑल वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लेकिन तो भी मैं आपको दो तीन वर्ड आज ही बता देता हूं जिससे कि आपको आगे बड़ी हेल्प मिलेगी मैं बता दू तीन वर्ड होते हैं एक होता है टैक्स प्लानिंग करके ठीक है एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन इन तीनों में मुझे कोई फर्क बताएगा क्या चलो एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं टैक्स प्लानिंग तो मैं बता देता हूं टैक्स टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन में क्या फर्क है वो आप मुझे बताएंगे टैक्स प्लानिंग मैं बता देता हूं टैक्स प्लानिंग क्या होता है देखो टैक्स प्लानिंग मीन जैसे लॉ मेकर्स ने बोला हुआ है एटीसी में आप इन्वेस्ट करिए वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक आपको ए सी का डिडक्शन मिलेगा

एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन क्या फर्क है किसी ने बोला टैक्स इवेजन तो सर टैक्स की चोरी करना है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस सर ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन है चलिए जो मेरे पास में आंसर आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किए एंड आई एम सो हैप्पी दैट सही आंसर किया यार बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किए पीयूष बोल रहा है अवॉइडेंस इज अनशनल एंड इवेजन इज इंटेंशनल नो दैट इज नॉट राइट दैट इज नॉट राइट किसी ने बोला खुशी बोल रही है अवॉइडेंस इज लीगल बट इवेजन इज इलीगल ठीक है इज अवॉइडेंस इज लीगल तो फिर गार की जरूरत क्या थी एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन ऑफ द एक्ट देखिए दो चीजें हैं एक है टैक्स इवेजन टैक्स इवेजन तो भैया इलीगल है आप गलत कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन जैसे एग्जांपल के लिए टैक्स इवेजन के एग्जांपल आपने क्या किया कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कुछ डमी खर्चे डाल दिए डमी खर्चे में बिल है नहीं और आपने ऐसे ही कैश के खर्चे डाल दिए जो आप लास्ट में डालते हो करके ठीक है हर साल प्रॉफिट कम करना रहता है तो आप कुछ खर्चे डाल देते हो तो आपने डमी खर्चे डाले पी एंडल के डेबिट में दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन आप टैक्स की चोरी कर रहे हो आप टैक्स को इवेड कर रहे हो या फिर कोई सेल्स है वो सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं की जो सेल्स है जो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी आपने सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन करके या फिर आपने कोई परचेज की थी और परचेज का बिल है वो टू लेख का था आपने बिल को दो बार एंट्री कर दी पी एंडल के डेबिट में और आपने चार लाख परचेज का बिल डाल दिया दैट इज कॉल्ड टैक्स टैक्स इवेजन इवेजन तो 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 आपको एक बात बताऊं ये तो गलत ही कर रहे हो आप चोरी ही कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन अब होता है एक टैक्स अवॉइडेंस आप बोलोगे टैक्स अवॉइडेंस किसको बोलेंगे करके ठीक है टैक्स अवॉइडेंस किसको बोलेंगे तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि आप देखो लॉ के लूफोल को यूज कर रहे हो लॉ के लू को यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस मतलब लॉ मेकर्स का इंटेंशन ऐसा नहीं था लॉ मेकर्स ने जिस दिन लॉ लिखा था उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था और उनके इंटेंशन के विरुद्ध जाके आप लॉ को यूज कर रहे हो लॉ के अंदर रह के काम कर रहे हो आप लॉ के अंदर रह के काम कर रहे हो लॉ रह के बाहर नहीं जा रहे बट लॉ के लूफोल को आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस करके तो टैक्स देखो टैक्स प्लानिंग तो सब चीजें बेस्ट बेस्ट करना एटीसी का डिडक्शन लेना एटीडी का डिडक्शन लेना हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेना सैलरी में अगर आपको जो डिडक्शन मिलते हैं वो लेना दैट इज टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन क्या होता है चोरी करना मतलब आप झूठा झूठा कर रहे हो करके ठीक है आपने एटीसी का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं आप डिडक्शन ले रहे हो करके डमी डिडक्शन ले रहे हो दैट इज टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि आप जो है वो लॉ के लूफोल कोई एग्जाम्पल दे दो लॉ के लूफोल को कैसे यूज करते हैं देखो आजकल लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते पहले करते थे क्योंकि अब तो गार लग गया है और ये जो गार वाला टॉपिक है ना इस टॉपिक में हम सीखेंगे भैया अगर आपने लॉ के लूफोल को यूज किया और अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया तो भैया आपका ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो उसको एकदम रियल लेके आया जाएगा वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको कॉर्पोरेट वेल को वैसे मतलब अनफोल्ड किया जाएगा मीन्स उस ट्रांजैक्शन को अनफोल्ड किया जाएगा और एक्चुअल उसका जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाएगा उसका सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाएगा वैसे किया जाएगा अगर आजकल ऐसा करते हो तो लेकिन पहले ऐसे बहुत सारे लोग करते थे धीरूभा अंबानी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनका मिस किया करके लॉ के जो प्रोविजन है वो लॉ में रह के काम किया बट उनका मिस किया दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस एक बेस्ट एग्जांपल आपने अगर सुना होगा कभी तो वोडाफोन करके वोडाफोन का केस लॉ के बारे में आपने सुना होगा तो वोडाफोन का केस लॉ वाज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस वो टैक्स अवॉइडेंस का एक बेस्ट एग्जांपल था वोडाफोन का केस लॉ और वोडाफोन के केसलो में क्या हुआ था मैं जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि वोडाफोन के केसलो में हुआ क्या था जैसे आपको पता है ये इंडिया है और इंडिया की एक कंपनी हुआ करती थी पहले हज एस आर करके हज एस आर लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी हुआ करती थी और इंडिया में एक नेटवर्क आता था पहले हज का हज बाद में वोडाफोन ने खरीद लिया था हचन को बट हज एस आर एक इंडिया की कंपनी थी अब हच एस आर एक इंडिया की कंपनी थी और हच की जो हच एस आर की जो होल्डिंग कंपनी थी ना वो एक सीजीपी करके थी जो केमेन आइलैंड में थी केमेन आइलैंड करके एक टैक्स हेवन कंट्री है केमेन आइलैंड आपने सुना होगा तो केमेन आइलैंड इज अ टैक्स हेवन कंट्री वहां पे एक ये फॉरेन कंपनी थी जिसका नाम था सीजीपी और ये सीजीपी जो है ना वो होल्डिंग कंपनी थी किसकी हज एस की तो हच एस जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी बन गई ये हच एसआर इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी बन गया किसका सीजीपी करके जो कि केमेन आइलैंड में है एक फॉरेन कंपनी का अब एक बात समझना यह सीजीपी की होल्डिंग कंपनी जो थी जिसका नाम था हांगकॉन्ग और वो होल्डिंग कंपनी थी और उसकी सब्सिडरी बन गई सीजीपी उसकी सब्सिडरी बन गई सीजीपी अब एक बात समझना इनको क्या करना था मैं बताऊं यहां पे हच एस आर इंडिया का कंपनी इसका जो है सीजीपी उसका होल्डिंग कंपनी और सीजीपी का होल्डिंग कंपनी है वो हच हचसन होंगकोंग करके है अब एक बात समझना इनको इंडिया का बिजनेस बेचना है इंडिया का हच एस का बिजनेस बेचना था हच को बेचना था इंडिया का बिजनेस बेचना था तो इंडिया का बिजनेस कैसे बेचा जा सकता है कि भाई ये जो सीजीपी के पास में हच एस के शेयर है वो शेयर किसी को बेच दे तो भैया हच एस के शेयर किसी को बेच दिया तो इंडिया का बिजनेस बिक जाएगा तो यहां पे उन्होंने बोला कि हम इंडियन बिजनेस को बेचना चाहते हैं कोई बिड लगाने के लिए आओ तो बिड लगाने के लिए यहां पे बहुत सारी कंपनी आई थी लेकिन एक कंपनी थी जिसका नाम है वोडाफोन करके ठीक है और ये वोडाफोन जो है ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी और वोडाफोन ने बिड लगाई और वोडाफोन ने बोला कि हमको इंडिया का यह हच एस का बिजनेस चाहिए अब यह कैसे बेचा जा सकता था सीजीपी के पास में हच एस के शेयर है तो सीजीपी हच एस के शेयर वोडाफोन को बेच दे भाई सीजीपी के पास सीजीपी होल्डिंग कंपनी है हर ऐसा एक इंडियन कंपनी है इंडियन कंपनी के शेयर वोडाफोन को बेच दे बट अगर ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ठीक है तो तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर बिक रहे हैं इंडियन कंपनी के शेयर बिक रहे हैं और जब इंडियन कंपनी के शेयर वर्ल्ड में कहीं भी बिकते हैं ना उस उसपे इंडिया में टैक्स लगता है बिकॉज वो इंडियन असेट माना जाता है कि आप इंडियन असेट बेच रहे हो हच एसआर इंडिया का कंपनी है तो हज एस आर एक इंडिया का कंपनी है इंडियन कंपनी के शेयर बिके तो, तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा इन्होंने दिमाग लगाया था और इन्होंने क्या किया कि ये जो हज हांगकॉन्ग है इसने सीजीपी के शेयर है वो वोडाफोन को बेच दिए हज हांगकॉन्ग ने सीजीपी जो केमेन आइलैंड में है उसके शेयर है वो वोडाफोन को बेच दिए अब एक बात समझना हो क्या रहा है कि भैया वोडाफोन एक फॉरेन कंपनी है हज हॉन्गकॉन्ग भी एक फॉरेन कंपनी है और सीजीपी भी एक फॉरेन कंपनी है Miss एक फॉरेन फॉरेन कंपनी कंपनी दूसरी के शेयर तीसरी फॉरेन कंपनी को बेच रही है इंडियन कंपनी के शेयर इंटेक्ट है इंडियन कंपनी के शेयर है वो इंटेक्ट है इंडियन कंपनी के जो शेयर है वो पहले भी सीजीपी के पास में थे अभी भी सीजीपी के पास में है इंडियन कंपनी का शेयर तो बिका ही नहीं और ये जो था ना इट वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस और उन्होंने बोला इंडिया में कोई टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि हमने इंडियन असेट को बेचा ही नहीं हमने इंडियन असेट को बेचा ही नहीं और एक बात बताऊं ये जो सीजीपी है ना ये सीजीपी जो है ये सीजीपी जानबूझ के वहां पे क्रिएट की थी टैक्स बचाने के लिए ये सीजीपी जो क्रिएट की थी वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उन लोगों ने क्रिएट की थी तो ये इन्होंने टैक्स टैक्स अवॉइड किया यहां बिकॉज तो लॉ में ये लिखा हुआ था कि सिर्फ इंडियन बेचेंगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा इंडियन कंपनी के शेयर बेचेंगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा यहां पर इंडियन कंपनी के शेयर तो बिके नहीं इंडियन कंपनी जो हज ऐसा उसके शेयर पहले भी सीजीपी के पास थे अभी भी सीजीपी के पास है सीजीपी के शेयर बिक गए उस पर बोले इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा अब मैं बताऊं हुआ क्या उसके बाद में ये जब ट्रांजेक्शन हुआ ना तो जैसे ही ये ट्रांजेक्शन हुआ ऑब्वियसली यहां पे वोडाफोन और हच हच ने बेचा था वोडाफोन ने खरीदा था हच ने इस पे कोई भी टैक्स नहीं भरा हच ने इस ट्रांजेक्शन पे कोई भी टैक्स है वो नहीं भरा अब जैसे हच ने टैक्स नहीं भरा तो हुआ क्या थोड़े टाइम बाद बॉम्बे का एक असेसिंग ऑफिसर है उसने नोटिस भेजा वोडाफोन को उसने नोटिस जो भेजा वो किसको भेजा अब को समझना एक एओ है मुंबई का और उस मुंबई के एक एओ ने नोटिस भेजा वोडाफोन को और वोडाफोन को नोटिस भेज के क्या बोला पता है कि आपने सीजीपी के शेयर खरीदे हैं और ये ट्रांजैक्शन पे इंडिया में टैक्स लगना चाहिए क्योंकि आपने इंडियन असेट बिकी है मीन अल्टीमेटली बिका तो इंडियन असेट है इंडिया का मैनेजमेंट बिका है इंडिया का कंट्रोल बिका है कंपनी का लोगो चेंज हो गया है तो आपने जो बेचा है वो तो आपने इंडियन असेट बेचा है वोडाफोन को नोटिस भेजा मुंबई के एओ ने और मुंबई के एओ ने बोला वोडाफोन को कि आपने जब सीजीपी के शेयर खरीदे हैं हचिसन से हचिसन हांगकॉन्ग को आपने पेमेंट किया है आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा और टीडीएस नहीं काटा तो इसके लिए मैं आपको 201 करके एक इनकम टैक्स की सेक्शन होती है जिसमें मैं आपको

और बॉम्बे हाईकोर्ट में वोडाफोन गई और वोडाफोन बोलती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है हमको टीडीएस काटना ही नहीं है हम टीडीएस क्यों काटे टीडीएस तो तब काटना रहता है ना जब आगे वाले के हाथ में कोई टैक्सेबल चीज हो भाई अगर मैंने किसी को पेमेंट किया आगे वाले के लिए वो टैक्सेबल ही नहीं है उस पर इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं तो मैं टीडीएस क्यों ही काटू मैं टीडीएस क्यों काटू टीडीएस तो तब काटना रहता है जब आगे वाले के हाथ में ये टैक्सेबल होगा लेकिन एक बात बताऊं बॉम्बे हाईकोर्ट में जब गई वोडाफोन तो वोडाफोन जब बॉम्बे हाईकोर्ट में गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के बाद हुआ क्या कि बॉम्बे में हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जीत गया और बोला हाँ वोडाफोन को टैक्सन को टैक्स लगना चाहिए इंडिया में क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे ट्रांजैक्शन को अच्छे से एनालाइज किया

किसने जजमेंट दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट ये दिया भवानी उसके बाद में हुआ क्या कि वोडाफोन है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में गई और जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पता है जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको पलट दिया जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया उन्होंने और उन्होंने जजमेंट दिया वोडाफोन के फेवर में और वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दिया सुप्रीम सु, 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 कोर्ट ने बोला कि लॉ में कहा लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी के शेयर बिके तो इंडिया में में टैक्स लगेगा ऐसा लॉ लिखा हुआ है लॉ लॉ में में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। में लिखा हुआ हुआ है इंडियन असैट बिखी इंडियन असेट का मतलब इंडियन कंपनी के शेयर होते तो इंडियन कंपनी के शेयर बिके होते तो इंडिया में टैक्स लग जाता ऐसा कहां लिखा है कि फॉरेन कंपनी के शेयर बिके तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा करके ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत गई अब एक बात बताऊं जब सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था ना कि लाइक के यार इस पर तो टैक्स लगना चाहिए ये तो गलत है कोई भी ऐसा कर लेगा पूरे वर्ल्ड में कंपनियां जो है वो ऐसा ही करेगी करके ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या बोला पता है कि वी आर टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट टू मेक द लॉ मीन्स हम यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में है हम लॉ को यहां पे इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लॉ को बना नहीं रहे अगर आपको ज्यादा दिक्कत है लॉ में करके ठीक है तो आप लॉ को चेंज कर लीजिए अब जैसे ही ये जजमेंट आया ये 2011 के आसपास जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में और मैं बताऊं 2012 से 2012 में दैट टाइम टू फाइनेंस मिनिस्टर वाज प्रणव मुखर्जी प्रणव मुखर्जी ने लॉ को चेंज कर लिया प्रणव मुखर्जी ने लॉ को चेंज कर दिया करके ठीक है एक बात बताओ देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड बट टिल द टाइम अगर मान लो लॉ चेंज नहीं होता लॉ में चेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर किया जा सकता है लॉ में अमेंडमेंट करके लॉ में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला तिल लेने गया उसको बोलाइड किया जा सकता है क्या किया जा सकता है आंसर इज यस अगर आप लॉ में चेंज कर दो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है तो वहां पे क्या हुआ 2012 में प्रणब मुखर्जी बॉस फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया और लॉ को चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली किया कैसे किया रेट्रोस्पेक्टिवली अब आप बोलोगे रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब आपका मतलब लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं मतलब एक तो होता है प्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है आज से ये चेंज हुआ आज से ये चेंज हुआ वैसा नहीं रेट्रोस्पेक्टिवली प्रणब मुखर्जी ने 1961 से लॉ को चेंज किया और 1961 से लाइक लॉ को चेंज किया दैट टाइम प्रणब मुखर्जी वाज़ द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम वाज़ द होम मिनिस्टर इन 2012 चिदंबर होम मिनिस्टर थे 2012 में और उन्होंने 2012 में प्रणब मुखर्जी वॉज फाइनेंस मिनिस्टर और प्रणब मुखर्जी ने लॉ को चेंज कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली 1961 से और लॉ में क्या लिखा मैं आपको बताऊं तो आगे जाके इन डिटेल जब इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उन चीजों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे बट तो मैं आपको बताऊं लॉ में क्या लिखा पता है लॉ में ऐसा लिखा गया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू डिराइव्ड करती है इंडियन असेट से कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू डिराइव्ड करती है इंडियन असेट से तो वो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू तो बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे ऐसा प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि अगर ये फॉरेन कंपनी है और ये फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असैट से तो फॉरेन कंपनी के शेयर है ना वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा फॉरेन कंपनी के शेयर अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं अगर इंडियन असेट से तो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे और फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा ऐसा लिखा गया लॉ में और एक बात बताऊं एक बात बताऊं अगर ये जैसे ही ये वाला जजमेंट आया उसके बाद से वोडाफोन वगैरह जो है उन्होंने बड़ा इसका ऑब्जेक्शन लिया कि यार हमने जब ये ट्रांजैक्शन किया था तब तो इंडियन लॉ ऐसा था नहीं तब तो इंडियन लॉ जो है वो ऐसा था नहीं आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके 1961 से अमेंडमेंट कर दिया वोडाफोन को आपने डिमांड नोटिस भेज दिया वोडाफोन के साथ साथ में एक और मैं बात बताऊं एक और कंपनी थी जो वेदांता के साथ में टाइप हुआ था वेदांता के साथ में टाइप हुआ, हुआ था एक और ऐसी कंपनी थी दो चार कंपनियां ऐसी थी ठीक है जिनके साथ में ये चीजें हो रही थी और उनको वापस से उन्होंने जो है नोटिस भेज दिया और बोला अब लाउड टैक्स अब तो हमारा लॉ बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव करके लॉ अब लाउड टैक्स अब जैसे ही टैक्स मांगा तो इन लोगों ने क्या किया वोडाफोन है और एक और कंपनी जो थी करके ठीक है एक और कंपनी थी ये दोनों गए इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट करके ठीक है और इंटरनेशनल कोर्ट जो लोकेटेड है नीदरलैंड में नीदरलैंड में एक जो इंटरनेशनल कोर्ट होती है ना वहां पे ये लोग गए और वहां पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भैया ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है आपने एक मिनट में वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए करके सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ थी फिर आपने सुप्रीम कोर्ट को ओवर कर दिया लॉ में अमेंडमेंट कर दिया बोला टैक्स लाओ करके ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो लोग कहां गए नीदरलैंड में एक कोर्ट में गए वोडाफोन वगैरह करके ठीक है और नीदरलैंड की कोर्ट में जाने के बाद पता है इंडिया वालों की वहां बहुत बेज्जती हुई बेज्जती इसलिए हुई क्योंकि इंडिया इंडिया ने भी रिप्रेजेंट किया कि हमने लॉ में अमेंडमेंट क्यों किया कैसे किया लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पे नीदरलैंड और इंडिया के बीच में एक टैक्स ट्रीटी साइन हुई थी टेक्स ट्रीटी का मतलब होता है एक अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट साइन हुआ था और उस अग्रीमेंट में यह लिखा हुआ था कि हम आपस में बिजनेस को प्रमोट करेंगे हम आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री में बिजनेस को प्रमोट करेगी इंडिया नीदरलैंड को सपोर्ट करेगा नीदरलैंड इंडिया को सपोर्ट करेगी ऐसे एक ट्रीटी हुई थी तो उसके अंतर्गत ऐसा था कि वो लोग वहां कोर्ट तो वहां पर चले गए करके ठीक है और जब इंटरनेशनल कोर्ट जो था इंटरनेशनल कोर्ट था वो इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया पता है जजमेंट किसके फेवर में दिया वो के फेवर में और इंडिया वालों को बड़ी लताड़ लगाई इंडिया वालों को सच में लगाई एक तो कोर्ट ने ये बोला था आप एक बात बताओ कि जब कंपनी ने ट्रांजेक्शन किया था तब टैक्स नहीं लगा लॉ में कुछ लिखा हुआ नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दे दिया उसके बाद आप लॉ को पलट गए लॉ ही आपने बदल दिया हम तो 1961 से यही बोल रहे थे टैक्स लगना चाहिए तो इंटरनेशनल में कोर्ट में जाके हमारी बड़ी बेज्जती हुई इंडिया वालों की उस टाइम पे अब उस टाइम पे बेज्जती हुई अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी अपने को बहुत अच्छा रखना है तो मैं बताऊं 2021 में निर्मला सीतारमन जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर और निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया पता है क्या ये ज ये जो अमेंडमेंट किया था ना ये अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट 1961 से जो किया था रेट्रोस्पेक्टिवली उसको हटा के और निर्मला सीतारमण जी ने प्रणब मुखर्जी ने जो किया था उसको वापस से नलीफाई किया और बोला कि ये अमेंडमेंट 2012 से एप्लीकेबल होगा उसके पहले के ट्रांजेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसा निर्मला सीतारमन जी ने टू में जाके किया ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में जाके बोला 21 में बोला कि 2012 के पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन है डोंट वरी हम उसको कैच नहीं करेंगे वो आपने भले वो टैक्स अवॉइडेंस किया है हम उसको माफी दे देते हैं अगर आपने कोई टैक्स भर दिया था तो हम उसको आपको रिफंड कर देंगे करके ठीक है और निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा करके इन सब लोगों को छोड़ दिया जो दो के पहले के ट्रांजेक्शन थे

ऐसी 12-13 इंटरनेशनल कंपनियां थी जिनको इन्होंने पकड़ के ला लिया था बट फिर 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने वापस से इसको अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करके बोला कि जो भी अमेंडमेंट प्रणब मुखर्जी ने किए थे 2012 में वो अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे रेट्रोस्पेक्टिवली अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं होंगे रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होंगे प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होंगे करके ठीक है तो आप अगर इसके बारे में और स्टडी करोगे जब आप गूगल पे सर्च करोगे कि वोडाफोन का केस लो एज वेल एज एक वेदांता के साथ में भी एक कंपनी थी कैन करके शायद कैन करके कंपनी थी उसके केस में भी ऐसा ही हुआ था करके ठीक है उसके केस में ही ऐसा हुआ था ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी और जिन्होंने कोई डिमांड पे कर दिया था गवर्नमेंट उनको वापस से रिफंड किया आई थिंक एक दो कंपनियों ने कुछ डिमांड पे किया था गवर्नमेंट ने उनको वापस से पैसा दे दिया रिफंड कर दिया पैसा करके कि लो तुम्हारा पैसा हम आपके जो टू के पहले के ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको हम नहीं छेड़ेंगे करके ठीक है चलिए हाँ हाँ तो 2021 में ये बोलता है कि 2021 में तभी वोडाफोन के शेयर में थोड़ा स्पाइक आया था एकदम करके ठीक है यस yes, क्योंकि वो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी जो नलिफाई कर दी कि चलो आपको पे करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है देखो आपने लॉ में रह काम कर रहे हो बट लॉ मेकर इंटेंशन वैसा नहीं था मीन्स आप, आपका

मॉरिसियस के मेन आईलैंड में उसके कुछ पार्ट थे तो वहां पे आप डाल के और आप ये प्लानिंग कर रहे थे इट इट इज इज नॉट अ अ प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस आप टैक्स चोरी कर रहे हो लॉ मेकर्स का ऐसा इंटेंशन नहीं था आप लॉ के लूफोल को यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस करके ठीक है चलिए तो अपन सिलेबस की बात कर रहे थे आज अपन बात ही सिलेबस की अभी तक कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो आपके आने वाली है करके ठीक है तो चलिए तो हम जो बात कर रहे थे वो बात में जो अपन पहुंचे थे कहां पे पहुंचे थे एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है ये अपन पढ़ेंगे उसके बाद में प्रोविजन टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस इन द डिजिटलाइजेशन ये एक नया कॉन्सेप्ट इस बार इन्होंने डाला है न्यू सिलेबस में ये एक जो पॉइंट है ये नया डाला है कि डिजिटलाइजेशन में आपके क्या चैलेंजेस है अब उससे रिलेटेड जब आईसीआई का मटेरियल आएगा तब हमको एक्जैक्टली exactly पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या डाला है

उसके बाद इनकम टैक्स ऑथोरिटीज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स ऑथोरिटीज में क्या क्या आता है जैसे कमिश्नर किसको बोलते हैं कमिश्नर बनते कैसे है ज्वाइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर उसके बाद चीफ कमिश्नर उसके बाद आई ये इंस्पेक्टर ये क्या होता है कैसे बनते हैं क्या होते हैं क्या काम करते हैं वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं उसके बाद में हम सीखने वाले हैं असेसमेंट प्रोसीजर असेसमेंट प्रोसीजर में आपके असेसमेंट कैसे होंगे फेसलेस असेसमेंट अब तो होता है ये फेसलेस असेसमेंट कैसे होगा वो सब हम यहां सीखने वाले हैं उसके बाद अपील्स एंड रिविजन है वो हम सीखने वाले हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम सीखने वाले हैं अपील रिविजन क्या होता है कि जैसे एओ का ऑर्डर आया एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आया और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जैसा कि आपको पता है आप सीआईटी अपील में जाते हो उसके बाद आप आईटेट अपील में जाते हो उसके बाद आप हाईकोर्ट अपील में जाते हो सुप्रीम कोर्ट अपील में जाते हो तो वो सब हम अपील एंड रिविजन में सीखेंगे। सीखेंगे, उसके बाद में हम इनकम टैक्सेशन ऑफ अनुज फॉर इनकम एंड असैट एंड पेनल्टीज एंड ऑफेंस एंड प्रोजिक्यूशन ये भी एक नया टॉपिक डाला गया है इनकम टैक्स में पहले ही हमारे डायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं था मीन्स सीए वालों के लिए नहीं था सीएमए वालों के लिए पहले से था बट अभी इन्होंने डाला है इसका मतलब है ब्लैक मनी एक्ट करके जो ब्लैक मनी एंड अनडिसक्लोज फॉरेन असेट करके जो है एक्ट उस एक्ट को इन्होंने यहां पे डाला है कि आपकी जैसे इंडिया के बाहर कोई असेट है और इंडिया के बाहर असेट जो है वो इंडिया के बाहर जो असेट है वो असेट आपने बताई नहीं है और डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि इंडिया के बाहर असेट है स्विट्जरलैंड की बैंक में आपका अकाउंट है और डिपार्टमेंट को पता चल जाता है तो कितना पेनल्टी लगेगा क्या लगेगा कैसे पकड़ा जाएगा वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इट इज अ ब्लैक मनी एक्ट है वो ब्लैक मनी एक्ट आप ऐसे याद रखिए ब्लैक मनी वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए ब्लैक मनी क्या होता है आप यार यहीं पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑल सो ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी एक्ट है वो हम यहाँ पे सीखेंगे उसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रोविजन सीखेंगे और उसके बाद में ये टैक्स ऑडिट सीखेंगे ये भी इस बार का एक इंक्लूजन है ये जो टैक्स ऑडिट टॉपिक है ये पहले हुआ करता था ऑडिट टॉपिक में

अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या टॉपिक है पहले है ना लास्ट मैं बोल रहा हूं बार बार कि पहले है ना इंटरनेशनल टैक्सेशन थर्टी मार्क्स का अलग से दे रखा था अब ऐसा नहीं है अब इसका कोई भी ब्रेकअप नहीं है तो देयर में भी पॉसिबिलिटी थर्टी फाइव का भी आ सकता है ट्वेंटी फाइव का भी आ सकता है ट्वेंटी मार्क्स का भी आ सकता है फोर्टी का भी आ सकता है जैसे आईसीआई अपना पेपर पैटर्न रिलीज करेगी तब मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताऊंगा कि कितने मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन रहने वाला है करके ठीक है चलिए अच्छा ऑडिट इज अ पेपर नंबर थ्री ना सॉरी फॉर दैट यार सॉरी मैंने सोचा कि ऑडिट का भी पेपर नंबर चेंज हुआ होगा करके ठीक है चलो ऑडिट इज अ पेपर नंबर थ्री 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 माइ बैड थ्री इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या सीखने वाले हैं तो देखिए इंटरनेशनल टैक्सेशन में टैक्सेशन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें हम ट्रांसफर प्राइजिंग सीखने वाले हैं ट्रांसफर प्राइजिंग आपको किसी को आइडिया है ये ट्रांसफर प्राइजिंग क्या होगा ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा किसी को आइडिया है ट्रांसफर प्राइसिंग सीखने वाले हैं कहीं वर्ड सुना ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में हुँ? बोलो 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 सुना क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग एनीवन देखो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे सुना है पता नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग सुना तो है अब एक बात बताओ ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है टीपी रिपोर्ट इन ऑफिस में बोलते हैं टीपी स्टडी रिपोर्ट करके ठीक है किसी ने बोला ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज अंकित बोल रहा है टेकिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन टू तो इंडिया उसका वैल्यूएशन कैपिटल गेन का पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग ना बाबू ना कैपिटल गेन का तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं देखो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है एक एग्जाम्पल लेता हूं उससे आप समझ जाओगे जैसे इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है आपने सुना होगा एच यूएल हिंदुस्तान यूनिवल लिमिटेड एच यू एल जो है एच यू एल आपको रैंकर्स को लेती है जो रैंकर वैंकर होते हैं ना उनको एच यूएल में जॉब मिलती है और कितना पैकेज देती है एच यूएल एच यूएल का पैकेज इज थर्टी फाइव लैख अभी जो एच यू एल का पैकेज है इस बार के लिए थर्टी फाइव लैख रुपीज देती है एच यूएल लेकिन सिर्फ रैंकर को उठाती है और वो भी टॉप रैंकर को तो अगर आप इस बैच में हो और कोई सपना है कि नहीं यार अपने को 35 लाख रुपए के पैकेज से ही स्टार्ट करना है स्टार्ट 35 लाख से करना है तो उसके लिए आपको टॉप रैंक लानी पड़ेगी सर कोई है रैंकर जो इसमें काम कर रहा है लास्ट टाइम का जो ए आर वन था हर्ष चौधरी करके ठीक है तो हर्ष इज वर्किंग विद द यूएल वो एच यूएल के साथ में काम कर रहा है ठीक है एच यूएल का पैंतीस लाख का पैकेज मिलता है चलिए तो एच है आपको पता रहेगा ये इंडिया का कंपनी है अब आपको पता है कि एच जो है ना एच जो है ये एच इंडिया का कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप का कंपनी है मल्टीनेशनल ग्रुप कौन सा है इनका Unilever, U, U L करके और ये यूनिलेवर जो है ये मान लो यूके का कंपनी है एग्जाम्पल के लिए यूके का कंपनी है होल्डिंग कंपनी यूके में है यूनिलिवर और उनकी इंडिया में जो है वो एच है ऐसे ये पाकिस्तान में जाते हैं तो वहां बनाते हैं पी यू नेपाल में जाते हैं वहां बनाते हैं एनयूएल नेपाल यूनियन लेवल लिमिटेड इंडिया में हिंदुस्तान यूनियन लेवल लिमिटेड अलग अलग कंपनी है ठीक है बट दोनों एक ही मल्टीनेशनल ग्रुप की कंपनी है अब होता क्या है एग्जाम्पल ले रहा हूं मान लो इंडिया में जो टैक्स रेट है ना एग्जाम्पल के लिए इंडिया में टैक्स रेट थर्टी परसेंट है और यूके में जो टैक्स रेट है वो मान लो टेन परसेंट है एग्जाम्पल के लिए इंडिया में टैक्स रेट थर्टी परसेंट है यूके में टैक्स रेट है वो टेन परसेंट है अब होता क्या है कि जो इंडिया में एक क्रीम बिकती है जिसका नाम है फिर एंड लवली करके ठीक है फेर एंड लवली एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। एंड लवली जो है वो मान लो यूके में बनती है और यूके का कंपनी एक्सपोर्ट करता है इंडिया की कंपनी को फेर एंड लवली और ये जब इंडिया की कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट करती है फॉर एन एग्जाम्पल उस गुड्स की वैल्यू है वन लाख रुपए उस गुड्स की वैल्यू है वन लाख रुपए रियल वैल्यू इज वन लाख लेक। लेकिन होता क्या है पता है ये इस को इन्फ्लेट कर देते हैं मिस ट्रांजेक्शन को मैनुपलेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन को इन्फ्लेट कर देते हैं ट्रांजेक्शन को चेंज कर देते हैं है। और इस ट्रांजेक्शन को मान लो ये फाइव लैख पे बिलिंग करते हैं वैल्यू होनी चाहिए वन लैख की बट क्या है ना होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है रिलेटेड पार्टीज है तो ये क्या करते हैं ट्रांजेक्शन को इन्फ्लेट कर देते हैं की वैल्यू चेंज कर देते हैं और ट्रांजेक्शन की वैल्यू चेंज करने के बाद में इसको ,00 पे ला लेते हैं अब आप बोलोगे इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा आप समझिए इंडिया की कंपनी एच जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इधर परचेज है वो फाइव लैख ,00 डालेगी जो कि डालनी चाहिए थी वन लैख बट डालेगी कितना फाइव लैख और जब फाइव लैख डालेगी फाइव लैख डालेगी करके ठीक है तो उसमें होगा क्या बताया तुमको मैं बताऊं इन्होंने इंडिया में अपना प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट उन्होंने इंडिया का प्रॉफिट फोर लैख से कम कर दिया इंडिया का प्रॉफिट जो इंडिया की कंपनी है उसका प्रॉफिट फोर लैख से कम कर दिया और फोर लैख से कम कर दिया और इंडिया में टैक्स रेट क्या है थर्टी परसेंट है तो इसका मतलब मैं बताऊं इंडिया में आपने वन लैख ट्वेंटी इंडिया में आपने वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड का टैक्स जो है वो आपने सेव कर दिया आप मुझे बोलोगे कि सर इंडिया में प्रॉफिट कम कर रहे हैं लेकिन सर यूके में प्रॉफिट बढ़ रहा होगा आंसर इज यस अगर यूके की कंपनी का पी पीएनडल बनाओगे तो यूके में आप यहां पे बाय साइड में सेल्स रिकॉर्ड करोगे वो चलो फाइव लैख ,00 से कर रहे हो तो वहां पे आपने क्या किया कि आपका जो प्रॉफिट प्रॉफिट है उस को इंक्रीज कर दिया फोर लाख रुपए से बट वहां पे टैक्स रेट है वो टेन परसेंट है तो फोर्टी थाउजेंड रुपीज वहां पर आपने टैक्स भरा होगा यूके में यूके में जो आपने टैक्स भरा वो फोर्टी भरा लेकिन एक बात बताऊं यहां पर शंकर

तो लोग ऐसे किया करते थे तो इसके लिए हम इंडिया वालों ने क्या किया ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड प्रोविजन डाले और हमने ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन डाले और ये प्रोविजन ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड हमने बनाए नहीं हमने क्या किया

आम लेंथ प्राइस इस वन लेख को बोला जाएगा आम लेंथ प्राइस क्या बोला जाएगा आम लेंथ प्राइस ए करके ठीक है दैट इज कॉल्ड आम लेंथ प्राइस तो ये सब चीजें जो है ना वो हम सीखने वाले हैं ट्रांसफर प्राइसिंग वाले सेगमेंट में तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो सेगमेंट है उस ट्रांसफर प्राइसिंग वाले सेगमेंट में हम सीखने वाले हैं कि ये आपका वापस से ये वन लैख पे कैसे लेके आएंगे ट्रांजैक्शन को और यहां पे इंडिया में जो प्रॉफिट आप कम कर रहे थे उस प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दिया जाएगा और ये कैसे करेंगे क्या करेंगे इसकी बहुत सारी मेथड्स वगैरह है जब अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा शंकर आज ही आपको नहीं समझ में आएगा कि हाउ वी विल फाइंड आउट द एल उसके लिए पांच मेथड होती है अगर आपने ऑफिस में सुना होगा तो एक होती है कप मेथड कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड एक होती है रीसेल प्राइस मेथड एक होती है कॉस्ट प्लस मेथड और एक होती है ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड करके टीएनएमएम जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो मेथड से क्या करेंगे हम ऑनलाइन प्राइस निकालेंगे कैसे निकालेंगे क्या निकालेंगे वो उस टॉपिक में समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे और मैं बता दू आपका ये टॉपिक है वो मिनिमम दस मार्क कवर करेगा 100 मार्क के पेपर में ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा रहेगा जो मिनिमम आपके 10 मार्क्स है वो सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग ही कवर करने वाला है उसके साथ साथ में हम सीखेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन अब आप बोलोगे ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन क्या होता है कि जो एनआर होते हैं एनआरआईज़ होते हैं उनको इंडिया में कैसे टैक्स लगता है वो अपन सीखेंगे, सीखेंगे अब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होता है अब आप बोलोगे रिलीफ क्या होता है अब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन क्या होता है तो डबल टैक्सेशन का मतलब एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लगता है एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लगता है एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लगता है उसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन अब आप बोलोगे दो जगह टैक्स कैसे लगता होगा एक एग्जाम्पल लेता हूं आप समझने की कोशिश करना आपने इंटरमीडिएट में ये पढ़ा हुआ है करके ठीक है आपने इंटरमीडिएट में ये पढ़ा हुआ है जो आपको याद आ जाएगा एक बार में करके ठीक है एग्जाम्पल के लिए आप एक बात बताओ इंटर में अगर आप मेरे साथ थे या किसी भी प्रोफेसर से आप पढ़े होंगे तो आपको यह पढ़ाया होगा कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है ना इंडिया का रेजिडेंट या ऑर्डनरीली रेजिडेंट है रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो और आपको एक ये भी बताया होगा कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है कोई नॉन रेजिडेंट है तो इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता है एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए जैसे एक बंदा है जिसका नाम है बीबी -बी, मैं मेरी बात कर रहा हूं मैं जो हूं मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट हूं मैं इंडिया में ही पढ़ा हूं तो एक बात बताओ पढ़ा मतलब यहीं रह रहा हूं पढ़ा मतलब स्टडी से नहीं है यहीं पर पढ़ा हूं करके ठीक है देखो क्या होता है मैं बताऊ मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट हूं तो मैं जो इंडिया में इनकम कमा रहा हूं उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा लेकिन एक बात बताओ मैं क्या गया नेपाल गया पढ़ाने के लिए मैं नेपाल दस दिन पढ़ा के आया तो नेपाल की जो इनकम होगी उस पर भी इंडिया में टैक्स लगेगा क्योंकि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपको पता रहेगा पूरे वर्ल्ड की इनकम ग्लोबल इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको पता है इंडिया में बहुत सारे क्रिकेटर आईपीएल खेलने के लिए आते हैं तो एक बंदा है मान लो का जिसका नाम है एंडरसन तो का प्लेयर है और आईपीएल तो से जो उसको उस पे इंडिया में टैक्स इंडिया में है ना तो इंडिया में टैक्स लगेगा नॉन रेजिडेंट की अगर इंडियन इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है, है अराइज हुई है उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि क्या होता है इस वर्ल्ड में है ना जितनी भी कंट्रीज है वो दो रूल से टैक्स लेती है एक होता है रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स रूल रेसिडेंस रूल क्या बोलता है कि अगर मान लो आप रेजिडेंट बन गए तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स दो और अगर मान लो आप रेजिडेंट नहीं हो लेकिन आपका सोर्स इस कंट्री में है तो आप सोर्स पे आपको टैक्स देना पड़ेगा इसकी वजह से क्या होता है डबल टैक्सेशन हो सकता है कैसे डबल टैक्सेशन हो सकता है एक एग्जांपल लेते हैं मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं मैं नेपाल गया पढ़ाने के लिए और नेपाल से मुझे कुछ इनकम हुई

इसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन और ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाएगा वो हम यहां पे पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ वाले टॉपिक में या उसका उल्टा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे जिमी एंडरसन है वो जिमी एंडरसन इंग्लैंड का बंदा है अब वो इंग्लैंड का रेजिडेंट है मान लो और वो इंडिया आया आईपीएल खेलने के लिए तो आईपीएल से जो इनकम हुई उस पर इंडिया में तो टैक्स लगेगा ही लगेगा आईपीएल से जो इनकम हुई उस पर इंडिया में टैक्स इसलिए लगेगा क्योंकि सोर्स इंडिया में है और इंग्लैंड में भी टैक्स लगेगा क्योंकि वहां का वो रेजिडेंट है तो एक ही इनकम पे दो दो बार टैक्स लग गया दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन और ये डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाएगा ये जो डबल टैक्सेशन है उस डबल टैक्सेशन को कैसे डबल टैक्सेशन को हटा सकते हैं वो उस पर्टिकुलर हम टॉपिक में पढ़ेंगे बहुत बार तो क्या होता है दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट बन जाते हैं और अग्रीमेंट में दोनों -दो कंट्री लिख लेती है कि चलो इस इनकम पे तुम टैक्स लेना इस इनकम पे हम टैक्स लेंगे इस इनकम पे तुम इतना टैक्स ले लो इस इनकम पे हम लेंगे तो वैसा बांट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड और उस को ही बोला जाता बोला जाता जाता है है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस या उसको टैक्स ट्रीटी आपने सुना होगा टैक्स ट्रीटी बनती है करके ठीक है या उसको बोला जाता है टैक्स कन्वेंशन करके तो टैक्स कन्वेंशन बोलो या टैक्स ट्रीटी बोलो या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोलो एक ही बात है

एक टॉपिक आएगा एडवांस रूलिंग करके अब आप बोलोगे ये एडवांस रूलिंग क्या होता है तो एडवांस रूलिंग क्या होता है तो एक बात बताऊं यहां पे वर्ड यूज किया है एडवांस रूलिंग एडवांस का मतलब समझते हो किसी को बोले हो ना एडवांस हैप्पी बर्थडे करके ठीक है तो एडवांस मतलब पहले और रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट तो एडवांस में जजमेंट ले लेना ले बाबू

तो वो कंपनी आप फॉरेन की वगैरह जो होती है वो क्या करती है पहले ही इंडिया में एडवांस रूलिंग ले लेती है एडवांस में जजमेंट ले लेती है कि भैया आप ही बता दो हमारे साथ होने वाला क्या है एक बात बताओ हम इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं इंडिया में कुछ मान लो कोई प्लांट सेटअप करने वाले हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी आप हमको पहले ही बता दो तो हम क्या है ना एंश्योर हो जाएंगे हम ये एंश्योर हो जाएंगे कि हमारे साथ आगे जाके कुछ गलत ना हो करके ठीक है दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग तो वो हम इस सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में बेसिकली जो है ये पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहेगा जिसमें आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है उसके बाद में नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है डबल टैक्सेशन रिलीफ है एंड एडवांस रूलिंग है ये चार टॉपिक है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगे और ये टॉपिक चारों मिला के आई थिंक बीस मार्क के करीब है वो आपका कवर करेंगे चलिए उसके बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ अदर आस्पेक्ट और है जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले उसमें एक तो छोटा सा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ द ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन अब ये ओईसीडी एंड यूएस यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होता है मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होता है मॉडल मॉडल किसको बोलते हैं आप बताओ मॉडल किसको बोलते हैं चलो बताओ मॉडल किसको बोलते हैं मॉडल क्या लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ द ओईसीडी एंड यूएन मॉडल टेक्स कन्वेंशन मॉडल किसको बोलते हैं बताओ मुझे मॉडल किसको बोलते हैं मॉडल किसको बोलते हैं चलिए बताइए बताइए मॉडल किसको बोलते हैं मैं चाहता हूं कुछ ढंग का आंसर दे कोई मॉडल क्या भाई ने मस्त वाले आंसर दिए हैं बोलते मॉडल अच्छे अच्छे लोग तो ऐसे मस्त दे रहे काइंड ऑफ मेथड और जो परफॉर्म करते हैं फैशन टीवी पे परफॉर्म करते हैं वो वाले हाँ मॉडल सेटिंग एन एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट मॉडल इज अ रेस्पेक्टिव इमेज हा मॉडल तो एक बात बताऊं आपको मॉडल क्या होते हैं मैं आपको बताऊं जैसे अप्रोच फॉर कंप्यूटेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कॉपी ऑफ समथिंग जो आइडियल होगा होता है दैट इज कॉल मॉडल भाई अदिति स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फिक्स स्ट्रक्चर मॉडल अच्छा चलो अपन एक काम करते हैं मॉडल ज आइडियल एग्जाम्पल या एक बात बताओ चलो थोड़ा ऐसे बेसिक लेवल पे जाते हैं तो आपको फटाफट -फड़ कनेक्ट कर पाओगे मुझे एक बात बताओ आप आपके आप आपके आपके ऑफिस ऑफिस में में जब शिप कर रहे हो आपके में बहुत बार लोग आते हैं हैं पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए बोलते हमको पार्टनरशिप बनाना है पार्टनरशिप डीड बनाना है आप बताओ पार्टनरशिप डीड आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग पार्टनरशिप डीड कैसे बनाते हो आप क्या बनाते हो आप ऐसे बनाते हो आप उसको बोलते हो करके ठीक है इधर आप उसको बोलते हो इधर बता क्या क्या करना है बोल बोल क्या क्या लिखना है है करके ठीक कि तू और राकेश दोनों पार्टनर रहोगे 50 50 परसेंट शेयरिंग और उसके बाद में लिख लोगे क्या ऐसा बनाते हो आप क्या करते हो आप क्या करते हो आप क्या करते हो पार्टनरशिप डीड बनाने आया तो आप क्या करते हो मैं बताऊं आप क्या करते हो वो मैं बता रहा हूं ठीक है सुनो आप क्या करते हो कि आपके ऑफिस में सर्वर पे एक फोल्डर है जिसमें कुछ फॉर्मेट डाले हुए हैं कुछ फॉर्मेट डाले हुए हैं और उस फॉर्मेट को एज इट इज आप कॉपी करते हो उस फॉर्मेट को एज इट इज आप कॉपी करते हो अब उससे पूछते हो बता तेरा नाम क्या है तो बोला ले चलो नाम चेंज कर लिया तुम्हारा बताओ तुम्हारा पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारा रेम्यूनरेशन कितना रहेगा चलो वो चेंज कर दिया तुम्हारा पीएसआर क्या रहेगा इतना चेंज कर दिया करके ठीक है तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो चेंज कर दिया तो वो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो ना तो मैं बोलू आप एक मॉडल यूज कर रहे हो आप एक मॉडल यूज कर रहे हो ना आप एक मॉडल पढ़ा था उस मॉडल को लिया उसको ठीक उस उस तो है, है, है आप लॉजिकली समझिए मोदी जी मान लो फॉरेन गए अभी मोदी जी है वो फ्रांस जाने वाले है ठीक है तो मोदी जी जब फ्रांस गए और फ्रांस के साथ में कोई अग्रीमेंट बन रहा है मान लो अपन डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस का अग्रीमेंट बना रहे कि डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा तो क्या मोदी जी और फ्रांस के जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव क्या? क्या कैसे कैसे ना। कुछ ना कुछ तो मॉडल लाओ भाई तो यहां पे क्या है दो मॉडल चलते हैं मतलब वर्ल्ड में तीन मॉडल चलते हैं बट तीसरा मॉडल अपने सिलेबस में नहीं है वर्ल्ड में तीन मॉडल चलते हैं अग्रीमेंट बनाने के ट्रीटी साइन करने के और वो तीन मॉडल कौन कौन से एक तो है तुम्हारा ओईसीडी मॉडल दूसरा तुम्हारा है यूएन मॉडल यूनाइटेड नेशन मॉडल और तीसरा है यूएस मॉडल यूएस मॉडल मतलब यूएसए का है वो यूएसए जब भी अग्रीमेंट बनाता है वो यूएस मॉडल फॉलो करता है बाकी एक यूएन मॉडल है और एक ओईसीडी मॉडल है तो उस मॉडल में ऐसा लिखा हुआ है ठीक है कि चलो बिजनेस की इनकम पे जो है कौन लेगा अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो कर लो ना मोदी जी और फ्रांस के बीच में जब अग्रीमेंट हो रहा है उनको कुछ चेंज करना है कि नहीं नहीं बिजनेस की इनकम पे हम टैक्स लेंगे या फिर मान लो क्या बोलते हैं उस इनकम पे तुम टैक्स ले लेना करके ठीक है अदर सोर्सेज की इनकम पे ऐसे टैक्स लेंगे हम रॉयल्टी पे मान लो इस परसेंटेज से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे तो जब ट्रीटी बना रहे तो कुछ ना कुछ तो मॉडल ले ले कुछ तो कुछ ना कुछ ना जो है वो तो मॉडल ले ले वो मॉडल से बात करें अपन करके ठीक है तो वो मॉडल लेके जब बैठते हैं दैट इज कॉल्ड मॉडल टैक्स कन्वेंशन तो इसमें हम इस टॉपिक में सीखेंगे कुछ ऐसे आर्टिकल कि बिजनेस की इनकम पे यूएन मॉडल में क्या लिखा हुआ है यूएस मॉडल में क्या लिखा हुआ है कि अगर रॉयल्टी की इनकम हुई तो उस पर यूएन मॉडल में क्या लिखा हुआ है यूएस मॉडल में क्या लिखा हुआ है करके ठीक है तो वो जब चीजें हैं वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा बहुत सीखेंगे कोई इसमें एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है तो वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं करके ठीक है चलिए उसके बाद में दे रखा है फंडामेंटल ऑफ द बेप्स 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 का मतलब क्या होता है बेप्स बीपीएस बेप्स फंडामेंटल ऑफ द बेप्स बेप्स का मतलब बासु से है हा बासु को बैप्स बोलते थे शायद हम्म बेप्स फंडामेंटल ऑफ बेप्स बेप्स किसको बोलेंगे यूएस मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है बेप्स किसको बोलेंगे विपाशा बासु को फंडामेंटल ऑफ द बेप्स ब्रेक इवन पॉइंट वाओ अच्छा उसको बेप्स बोलते थे पता नहीं क्या क्या बुलवा लोगे तुम ठीक है और एक तो लाइव जा रहा है करके एडिट भी नहीं होता ये बोलता है बेसिक अर्निंग पर शेयर करके ठीक है बेसिक अर्निंग पर शेयर वाओ गजब ये हुई ना बात मैं आप ही को ढूंढ रहा था आप कहां बैठे हो ठीक है कोई बोल रहा है इन बजट टाइम रीड किया था सर बजट के टाइम पे बेब्स बेप्स का फुल फॉर्म होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग करके ठीक है अब ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है एक्चुअली क्या हुआ ना देखो जब से ये ऑनलाइन चीजें बढ़ने लगी जब से ऑनलाइन चीजें बढ़ने लगी प्रॉफिट शेयर नहीं होता प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग करके शेयरिंग भी नहीं होता इट्स शिफ्टिंग प्रॉफिट शिफ्टिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये होता क्या है कि जब से आपको पता है ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में जैसे जैसे ये ऑनलाइन इंटरनेट बढ़ने लगा तो इंटरनेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ ना कि कंपनियां जो है ना वो ऐसे ऐसे मजे लेने लगी ना करके ठीक है कि जिससे हर कंट्री का नुकसान था सब कंट्रिया है वो नुकसान था और अल्टीमेटली फायदा मल्टीनेशनल कंपनीज को था एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आप समझने की कोशिश करेंगे जैसे आपको बता दू फेसबुक है या गूगल है करके ठीक है आपको पता है फेसबुक गूगल किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं भरते थे सब कंट्री से पैसा कमाते थे इंडिया से भी गूगल पैसा कमाता था हर कंट्री से पैसा कमाता था इंस्टाग्राम पे आप पूरे दिन बैठे हुए हो करके ठीक है उससे बहुत पैसा कमाता है वो और टैक्स भरते ही नहीं इंडिया में इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं भरते थे बोलते थे इंडिया में हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में बोलते थे हम इंडिया से सर्विस थोड़ी दे रहे हम तो फॉरेन से सर्विस दे रहे हैं हमारा सर्वर भी वहीं पे लगा हुआ है ये तो इंडिया के लोग बैठे बैठे मोबाइल पे कुछ कर रहे हम उससे पैसे कमा रहे और इंडिया में टैक्स ही नहीं भरते थे या फिर बहुत बार क्या होता था आपने देखा होगा ये मल्टीनेशनल कंपनी है ना ये क्या करती है एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है थीन कैपिटलाइजेशन अगर एक बात बताओ आप लॉजिकली सोचो एक यूएस का कंपनी है वो इंडिया में काम करता है उसको पैसे की जरूरत है तो वो अपनी फॉरेन कंपनी से क्या लेगा लोन लेगा इक्विटी लेगा या डेट लेगा वो हमेशा डेट प्रेफर करते थे डेट क्यों प्रीफर करते थे क्योंकि इक्विटी लोगे तो आगे वाले को डिविडेंड दोगे और डिविडेंड इंडिया में खर्चा अलाउ नहीं होता डिविडेंट इज नॉट अलाउबल एक्सपेंडिचर बट होता क्या था अगर के ठीक है बट होता क्या था कि वो लोग क्या करते थे लोन लेते थे और लोन पे दबा के इंटरेस्ट देते थे अपनी फॉरेन की कंपनियों को दबा के इंटरेस्ट देते थे अब इंटरेस्ट आप दे रहे हो आगे वाले को इंडिया में तो उस खर्चा क्लेम कर लोगे और इंडियन कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता था तो कुल मिला के होता क्या था करके मैं आपको मतलब मोटा मोटी बताऊं तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो थी ना ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ना पूरे वर्ल्ड को चूना लगा रही थी कुल मिला के पूरे वर्ल्ड को चूना लगा रही थी मतलब इन, इन इन वन वर्ड में अगर आपको बोलना चाहूं तो पूरे वर्ल्ड में सब कंट्रियों को नुकसान था तो इसमें हुआ क्या इस टाइम पे जो भी तुम्हारी G20 कंट्री है ये जो G20 कंट्री आप सुनते होंगे इंडिया अभी G20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो G20 कंट्री और OECD कंट्रीज इन्होंने मिलके कुछ ऐसे एक्शन प्लान बनाए क्या बनाए एक्शन प्लान और टोटल ऐसे पंद्रह एक्शन प्लान बनाए कि जो ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉफिट वो ऐसी कंट्रियों में शिफ्ट करते थे जहां टैक्स लगता ही नहीं और टैक्स नहीं लगता उस कंट्री को बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्री मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि केमेन आइलैंड करके बर्मूडा करके ठीक है उसके साथ में ये 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 वगैरह जो है है तुम्हारी टैक्स हेवन कंट्रीज है। ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स टैक्स लगता ही नहीं या बहुत कम लगता है उसको बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज तो ये सब कंपनियां क्या करती थी हर कंट्री को नुकसान पहुंचा के और बेस इरोड कर देती देखो नाम क्या है बेप्स का बेस इरोजन मतलब आपका जहां बेस है ना उसको तो आप इरोड कर रहे हो और प्रॉफिट शिफ्ट कर जाते हो आप प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हो कहीं पे आप जो प्रॉफिट को शिफ्ट किए जा रहे हो करके ठीक है और ऐसी कंट्री में प्रॉफिट को पाक कर रहे हो जहां पे टैक्स लगता ही नहीं तो जब ऐसा करते थे तो क्या हुआ ये जी ट्वेंटी कंट्री ओ कंट्री इन्होंने मिलके कुछ एक्शन प्लान बनाए और एक्शन प्लान बनाए कि बोला इसको कैसे रोका जाए और उसको रोकने के लिए टोटल पंद्रह एक्शन प्लान है जो अपन उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये टॉपिक तो लास्ट डे पे आएगा आई थिंक जब अपना टेक्स्ट का आज पहला लेक्चर है और जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे तब हम फंडामेंटल ऑफ द बैप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे उसमें एक्शन प्लान में जैसे पहला एक्शन प्लान जो है आपने सुना होगा जैसे इक्वलाइजेशन लेवी आपने ये सुना इक्वलाइजेशन लेवी करके एक वर्ड आया है कि फेसबुक है जिस पे एडवर्टाइजमेंट देते तो हैं बैप्स तो ये जो है वो आता है उसके बाद में एक टॉपिक दे रखा है एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स ट्रीटी टेक्स ट्रीटी का मतलब होता है मैं अभी बोला अग्रीमेंट टेक्स कन्वेंशन बोलो अग्रीमेंट बोलो करके ठीक है टैक्स ट्रीटी बोलो जो मर्जी है जो बोलो टैक्स ट्रीटी बोलो अग्रीमेंट बोलो कन्वेंशन बोलो इसको एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैसे होगा उसका एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैसे होगा वो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक बात बताओ जैसे चाइना और इंडिया का अग्रीमेंट बना अब वो दो लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक तो मान लो वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है और तीनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है तो कौन सा मीनिंग लेना है ऐसा हो सकता है ना देयर में भी पॉसिबिलिटी करके ठीक है कि अगर एक अग्रीमेंट बनाया अब इंडिया वाले जो मान लो मोदी जी फॉरन गए वहां पर एक अग्रीमेंट बना वो अग्रीमेंट वहां फ्रांस की लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है इंडिया की लैंग्वेज हिंदी में भी लिखा हुआ है अब दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे है जिसका मीनिंग अलग निकल रहा है तो फिर कौन सा मीनिंग लेना है उसकी एप्लीकेशन कैसे रहेगी उसका इंटरप्रिटेशन कैसे रहेगा वो हम इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे और उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन में और क्या नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं वो हम यहां पर सीखेंगे करके ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ द हंड्रेड मार्क्स ऑफ द ए फाइनल तो सीए फाइनल के सिलेबस में हम इतनी सारी चीजें हैं वो सीखने पाले हैं और लास्ट में उन्होंने एक नोट ये भी देखा दे रखा है कि इसके अलावा भी अगर कोई यहां इनकम टैक्स में नई चीज आती है वो भी आपके लिए एप्लीकेबल है Miss, ये जो ऊपर पड़ा है ये तो है ही अगर मान लो बजट वगैरह से कोई नई चीज आ जाती है करके ठीक है या तो एक्जिस्टिंग प्रोविजन को हटा के कोई नया प्रोविजन आता है या इन एडिशन टू द एगिस्टिंग प्रोविजन आता है तो वो भी आएगा लेकिन अगर आईसीआई कुछ भी बोलती है कि हम कुछ टॉपिक में से कुछ पार्ट एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो एक्सक्लूड माना जाएगा ऐसा लास्ट में नोट दे रखा है फर्दर द स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन एनी टॉपिक कवर्ड इन विल बी इफेक्टेड बाय वे ऑफ स्टडी गाइडलाइंस एवरी इफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंक्लूजन द टॉपिक में ऑल्सो ड्यू टू डिलीशन मेड एवरीस एक्ट फाइनेंस एक्ट में कोई हुआ, उसकी एडिशन डिलीशन होता है तो वो आपको आईसीआई बता देगी और आईसीआई जो है वो बताएगी जैसे सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो जब आई का मटेरियल आएगा उसमें ये लिखा होगा कि सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बाकी सब चीजें हैं वो आपको पढ़ना गा करके ठीक है चलिए अब आप बोलोगे कि सर हमारा क्लासेस का सीक्वेंस क्या रहेगा हम पहले क्या पढ़ेंगे तो आपका सिक्वेंस नॉर्मली यही रहेगा सबसे पहले हम कंप्यूटेशन पार्ट पे जाएंगे कंप्यूटेशन में पहले कंपनी से पहले कैपिटल गेन पढ़ेंगे फिर पीजीबीपी पढ़ेंगे फिर हम टोटल इनकम पढ़ेंगे फिर ये अलग अलग ट्रस्ट है उसके बाद में ये वाला पार्ट सबसे पहले पढ़ेंगे दूसरा अपन प्रोसीजरल पार्ट पे जाएंगे और तीसरा इंटरनेशनल पार्ट पे जाएंगे तो हम टैक्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहला कंप्यूटेशन पार्ट जो अपन कल से चालू करेंगे दूसरा आपका जो है वो ऑब्वियसली प्रोसीजरल पार्ट जिसमें असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह आएगा और तीसरा पार्ट जो रहेगा दैट विल बी योर इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट ये तीन सेगमेंट में इन्होंने को डिवाइड किया है मैं भी इस सिलेबस को तीन सेगमेंट में डिवाइड करने वाला हूं करके ठीक है चलिए एंड लास्ट पार्ट अपन चल रहे हैं सीएमए वालों के लिए तो मैं दो मिनट सीएमए वालों के लिए भी दे देता हूं कि कोई भी चेंज नहीं है आपके लिए भी आपके लिए भी वही है जो सीए के लिए है तो सीएमए में ये जो पेपर होता है दैट इज द पेपर नंबर 15 होता है सीएमए के लिए

वो भी वही पढ़ना है जो सीए वालों के लिए और सीए वालों को वही पढ़ना है जो CMA वालों के लिए है तो सिलेबस वाइज कोई भी चेंज नहीं है तो ये जो है अपना CMA में किसी ने मुझे पूछा कि सर हाउस प्रॉपर्टी सैलरी आएगा या नहीं देखो आएगा नहीं नॉर्मली क्योंकि सीएमए फाइनल में भी कंपनी का क्वेश्चन आता है अब देखो अगर आप सीएमए फाइनल का मॉड्यूल देखोगे ना तो उसमें तो उन्होंने कैपिटल गेन भी नहीं दे रखा पीजीबीपी भी नहीं दे रखा बट मैट में क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल कंप्यूटेशन करते टाइम उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि क्या सीएमए का मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो उसमें तो कैपिटल गेन नहीं है उसमें तो पीजीबीपी भी नहीं है और कैपिटल गेन पीजीबीपी भी विल विल स्पेंड अप्रोक्स लेक्चर करके ठीक है है तो तो वो आप वो आप तो बोलोगे हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप जब क्वेश्चन करने जाओगे मैट के क्वेश्चन टोटल इनकम के क्वेश्चन उसमें ये सब चीजें आपके लिए है तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन तो आप बिंदास रहिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो चीजें है वो मैं सब कवर करने वाला हूँ और एंश्योर रहिए सी ए फाइनल वाले कि जितना यहाँ पे दे रखा है जो आपके सिलेबस में आईसीआई ने दे रखा है जो सी एम ए वालों के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वो सब चीजें हम इस बैच में कवर करने वाले हैं करके ठीक है चलिए अब अपन एक काम करते हैं यहाँ पे ये जो आपका पहला सेगमेंट था पहले लेक्चर का दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस के सिलेबस में क्या क्या है हम क्या क्या करने वाले थे मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया पूरे सिलेबस का कि पूरा सिलेबस एग्जैक्टली exactly है क्या 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 चीजें हम सीखने वाले हैं जिससे आपको एग्जैक्टली exactly आप प्रिपेयर हो पाओ कि हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले क्या है करके ठीक है चलिए अब आप ले लीजिए ब्रेक दस मिनट का करके ठीक है यस यश ब्रेक लीजिए दस मिनट का और दस मिनट के ब्रेक के बाद हम आगे चालू करते हैं जिसमें हम इनकम टैक्स की कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे असेसी क्या होता है प्रीवियस ईयर क्या होता है असेसमेंट ईयर क्या होता है फिनेंस एक्ट क्या होता है वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं तो लीजिए ब्रेक और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं